एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। राजधानी में आईएसबीटी के नजदीक टूटीकंडी बाईपास पर एक बड़ा हादसा टल गया। बाईपास के चौराहे का कुछ हिस्सा अचानक धंस जाने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि घटना के दौरान गिरने वाले हिस्से पर कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। राजधानी शिमला में आईएसबीटी के नजदीक टूटीकंडी बाईपास पर बड़ा हादसा उसमें टल गया जब बाईपास के चौराहे पर कुछ हिस्सा अचानक धंस जाने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि घटना के दौरान गिरने वाले हिस्से पर कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, लेकिन यातायात के लिए यहां पर बनी ट्रैफिक पुलिस की घुमटी भरभराकर गिर गई। सड़क धंसने की आशंका से ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पहले ही घुमटी से बाहर निकल आए थे। भूस्खलन में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है। घटनास्थल के पास ही पार्किंग निर्माण का कार्य चल रहा है, हालांकि अभी सड़क धंसने की वजह सामने नहीं आई है। समझा जाता है कि राजधानी में हुई जोरदार बारिश से यह हादसा हुआ है। शिमला में जबरदस्त ओलावृष्टि भी हुई है, जिसकी वजह से सड़क का हिस्सा धंसने से यहां वाहनों का लंबा जाम भी लगा रहा। शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय हिंदी साहित्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हास्य पद्मश्री कवि सुरेंद्र शर्मा और देश भर से आए अन्य कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से समा बांधा और दीर्घा में बैठे दर्शकों को खूब लोटपोट किया। शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में भाषा एवं संस्कृति विभाग के द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय हिंदी साहित्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हास्य पद्मश्री कवि सुरेश शर्मा द्वारा तथा देश भर से आए अन्य कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से समा बांधा और दीर्घा में बैठे दर्शकों को लोटपोट कर दिया। इस मौके पर आचार्य देवव्रत ने कहा कि कवि समाज में नव चेतना का संचार करते हैं। उन्होंने कहा कि देश की दशा वो दिशा बदलने में कवि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कविता में वह ताकत होती है जो किसी भी व्यक्ति में नवजीवन का संचार करती है। आचार्य देवव्रत ने भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय हिंदी साहित्य कवि सम्मेलन के आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के प्रयास भविष्य में और सुनियोजित तरीके से किए जाने चाहिए, ताकि आमजन इसका पूरा लाभ उठा सके और उन्हें विख्यात कवियों के विचार सुनने को मिल सके। उन्होंने कहा कि इससे समाज में दूरियां कम होंगी और सकारात्मक सोच भी पैदा होगी। भाषा एवं संस्कृति विभाग के सौजन्य से गेयटी थिएटर में 2 दिन हास्य कवि सम्मेलन किया गया, जिसमें हास्य रस के कवियों ने विशेषकर श्रीमान सुरेंद्र शर्मा जी और उनके साथियों ने लोगों को मनोरंजन के साथ कुछ ऐसे टिप्स दिए जो हमारे राष्ट्र की एकता के लिए, भाईचारे के लिए और देश के विकास उन्नति के लिए सबको प्रेरणा देने वाले रहे। इस कार्यक्रम के लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। वहीं हास्य कवि पद्मश्री सुरेश शर्मा ने अपने हास्य रस से दर्शकों को खूब हंसाया। इस मौके पर पद्मश्री कवि सुरेश शर्मा ने समाज में फैली कुरीतियों पर भी चोट की। उन्होंने कहा कि समाज आज अपनी चिंताओं से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरों के सुख को देखकर ज्यादा दुखी है। 7 नवम्बर को मैंने अपनी पत्नी से पूछा कुछ रुपयों की जरूरत है क्या? तो उसने कहा नहीं, क्या बात कर रहे हो, तो आपकी कसम घर में जहर खाने तक को पैसे दे। मैं देख ले कहीं अलमारी में मिल जाएंगे। बोले आपकी माँ की कसम घर में जहर ना अपनी खाई, ना बेटों की खाई, ना अपनी माँ की, मेरी माँ की और मेरी खाई। और रात को नोटबंदी होगी, लोगों को इतने पैसे निकल गए कि पूरा हिंदुस्तान जहर खा सकता है। तब पता लगा अब तक जो भी झूठक बोला उसने सब जिंदगी भर मेरे से झूठी बोला, कसम हम दोनों की खाई थी। और टिप्स देना, देखो एक तो पति हो, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में।
हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था। घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया। उसे लगता है मेरे जीते जी इसके हंसने की हिम्मत। डिग्री कॉलेज हमीरपुर द्वारा वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति एडीएन वाजपेयी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया, वहीं छात्रों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। हमारे महाविद्यालय का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह 2017 का था, जिसके मुख्य अतिथि श्रद्धेय आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी माननीय कुलपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से आए हुए थे, और साथ में और भी गणमान्य व्यक्ति थे, जिसमें ओएससी के प्रेसिडेंट कर्नल एडी शर्मा जी थे, पीडीए प्रेसिडेंट ठाकुर होशियार सिंह जी थे, और पूर्व में रहे प्राचार्य पीसी पटियाल जी, और पूर्व में रहे प्रोफेसर जे पी अग्निहोत्री और वी के शर्मा जी, उन्होंने शिरकत की, और भी गणमान्य व्यक्ति आए थे, मीडिया के सब बंधु थे। और इसमें हमारे जो प्राइजेस थे 3 फील्ड में थे, एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में और कल्चरल एक्टिविटीज़ में। तो कल्चरल एक्टिविटीज़ में हमारे एक तो कल्चर के ही होते हैं, दूसरे कल्चर का मतलब म्यूज़िक है, और दूसरे NSS NCC रेंज रोवर्स रेड रिबन और इस तरह की जितनी भी गतिविधियाँ हैं 70 के करीब हमारे प्राइजेस थे, और इस तरह स्पोर्ट्स के भी हमारे 65-70 के करीब प्राइजेस थे। इस बार जो उत्कृष्ट जिनकी उपलब्धियाँ रही, एक मलकोटिया हमारे स्टूडेंट हैं उनकी रही, और एक सुमना देवी की जिसका रजत पदक था, PTA की तरफ से उनको 7500 रुपये मलकोटिया के लिए और सुमना देवी के लिए 5100 रुपये का इनको इनाम दिया गया। और एकेडमिक प्राइजेस हमारे लगभग 100-200 के करीब थे। हमीरपुर के गौतम कॉलेज में तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से कई महाविद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। आइए दिखाते हैं आपको इस युवा महोत्सव की कुछ झलकियां। आज दूसरा दिन था और आखिरी दिन था HPTU यूथ फेस्टिवल, और ये दूसरा यूथ फेस्टिवल था इस यूनिवर्सिटी का, नई यूनिवर्सिटी है और नया यूथ फेस्टिवल, और ये हमें मिला है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ HPTU के वाइस चांसलर साहब का। वो आज इस समारोह के क्लोजिंग के मुख्य अतिथि भी थे, और आज बहुत जोश है बच्चों में। इसमें डांस की जो 3 आइटम्स थी, मेनली एक ग्रुप डांस था जिसके 10 प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, और उसके बाद एक सोलो डांस क्लासिक बेस्ड था, उसमें एक एक प्लेयर पार्टिसिपेट करता था, और एक था फ्री स्टाइल जिसमें 1-2 प्लेयर पार्टिसिपेट कर सकते थे। 5-5 मिनट के थे सोलो और फोक क्लासिक, और 10 मिनट का ग्रुप डांस था। ये इवेंट्स की प्रतिस्पर्धा 19 कॉलेजेस के बीच हुई, जिसमें 300 के करीब प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 2 दिन तक बहुत खूबसूरती से ये प्रोग्राम सबने देखा। पूरे हमीरपुर के वासी, हमारे गांव के, कॉलेज के आसपास के गांव के सभी निवासी, सभी बच्चे झूम उठे इन नृत्यों को देखकर, और इतनी भंगिमा इनकी इतनी ज़बरदस्त थी, रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रोग्राम था। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ यहाँ के हमीरपुर के वासियों को कि उनकी आशीर्वाद से, उनकी कृपा से बार बार हमें यूथ फेस्टिवल मिलता है, और ये तीसरा यूथ फेस्टिवल हम पिछले 2 वर्षों में करवा रहे हैं, और इससे कल्चर को बढ़ावा मिलेगा, हमीरपुर की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।
जाते जाते दर्शकों के लिए एक जरूरी सूचना, हमीरपुर स्थित आधार इंस्टीट्यूट में संकल्प 30 के लिए 9, 11 व 13 अप्रैल को एडमिशन टेस्ट रखा गया है। जो भी छात्र संकल्प 30 में एडमिशन लेना चाहते हैं वे इसके लिए 9, 11 या 13 अप्रैल को 10 बजे टेस्ट में अवश्य भाग लें। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मौनिका ठाकुर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।